शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को डेहरी रेलवे कॉलोनी गांधी शताब्दी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मैनुद्दीन अंसारी पुत्र नसरुद्दीन अंसारी निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा इमरान अंसारी पुत्र स्वर्गीय जमालुद्दीन निवासी आवास विकास कॉलोनी शाहपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा मोहम्मद जैद पुत्र सैफुद्दीन निवासी घोसीपुरवा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 8,500 रुपये नकद, एक गुप्ती, एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 6 अगस्त को 3:30 बजे गीता वाटिका के पास मैनुद्दीन अंसारी व उसके दोस्त इमरान अंसारी द्वारा वादी कौस्तुभ सिंह पुत्र स्वर्गीय शंभुनाथ सिंह निवासी मकान नंबर 23/9 आवास विकास कॉलोनी पानी की टंकी के पास थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के पेट में एक नुकीला गुप्ती सटाकर वादी से रुपए मांगना तथा वादी द्वारा ना दिए जाने पर वादी को जान से मारने की धमकी दिया, जिसके संबंध में वादी कौस्तुभ सिंह द्वारा थाना शाहपुर पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को 1 बजे करण मिश्रा पुत्र अरुण मिश्रा निवासी मकान नंबर B7 फर्टिलाइजर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के ABS हॉस्पिटल पादरी बाजार से रजनी निषाद के साथ अपने घर जा रहा था कि स्कूटी सवार 3 अभियुक्तों द्वारा वादी का 13,000 रुपये छीन कर भाग गए, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, कांस्टेबल आज़ाद अली, अवधेश बिंद, चंद कुमार चौहान, अरविंद यादव, अमृत यादव, दुर्गेश यादव शामिल रहे।